नेक्स्ट इज फाइन स्ट्रक्चर इन एल्कली स्पेक्ट्रम. जब हमने एल्कली स्पेक्ट्रम पढ़ा था दैट कंटेन्स फोर सीरीज प्रिंसिपल शार्प डाइफ्यूजन फंडामेंटल ऑल कंटेन्स सिंगल लाइन्स ऑल सीरीज आर इन सिंगल लाइन फॉर्म. सिंगल लाइन फॉर्म मीन्स उन सब की एक शार्प वेवलेंथ थी. ठीक है, जब इन्हीं सीरीज को जो हमें एल्कली का स्पेक्ट्रम मिल रहा था इन्हीं सीरीज को हम हाई रिजोल्विंग पावर टेलीस्कोप से देखेंगे. हाई रिजोल्विंग पावर टेलीस्कोप के अंडर या इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसको सीन कर रहे हैं उससे देखेंगे दैट ऑल द सिंगल लाइन्स कंटेन्स डबलेट फॉर्म. ठीक है, रिजोल्विंग पावर क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि वो क्लोज लाइंग ऑब्जेक्ट को कितना सेपरेट दिखाते हैं. राइट, दो बिल्कुल क्लोज लाइंग लाइंस हैं उनको कितना सेपरेट दिखाएगा उसकी रिजोल्विंग पावर है. मान लीजिए ये क्लोज लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, बिल्कुल क्लोज हैं. एक इंस्ट्रूमेंट इसे फर्स्ट वाला मान लेते हैं इतना सेपरेट दिखाते हैं एंड सेकेंड वाला इसको इतना सेपरेट दिखाते हैं. राइट, तो इसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है. दो क्लोज लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कितना सेपरेट दिखाते हैं इसकी रिजोल्विंग पावर होगी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की. जब एल्कली स्पेक्ट्रम को हाई रिजोल्यूशन के अंडर देखा गया देन ऑल लाइंस आर डबलेट. जो लाइंस थी जैसे कि प्रिंसिपल सीरीज की लाइन थी दे आर इन डबलेट फॉर्म. राइट, ऐसे ही शार्प की एंड डाइफ्यूजन फंडामेंटल की भी ऑल आर इन डबलेट फॉर्म. मीन्स अब इस लाइन की और इस लाइन के वेव नंबर अलग अलग होंगे. राइट, अगर सिंगल लाइन थी तो वेव नंबर सेम था. अब ये क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है तो इनके वेव नंबर या टर्म वैल्यू अलग अलग है. ओके, सो वी कैन से ए सिंगल लाइन स्प्लिट इनटू डबलेट लाइन या डबल लाइन या डबलेट फॉर्म. ओके, और ये सिंगल लाइन्स डबल लाइन्स में स्प्लिट क्यों होती है ड्यू टू स्प्लिटिंग इन लेवल्स. Due to splitting in level, in energy level या level, we get two lines. जैसे कि एक level P level है that split into two, P 3/2 and P half, and this is S half. There is a transition this, and there is also allowed transition. So इसके correspond जो wave number होगा that वो अलग होगा. इसके करस्पॉन्ड अलग होगा. ओके, सो वी गेट टू लाइन्स विद डिफरेंट वेव नंबर. ओके, और रीजन क्या है इस स्प्लिटिंग का, लेवल स्प्लिटिंग का, इज द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और इसकी जो लास्ट आर्टिकल में हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ट्रम वैल्यू कि कितने एक्सटेंट तक वो कपलिंग होती है या फिर वो स्प्लिट होता है. ठीक है, तो वी हैव फाइंड आउट स्प्लिट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वैल्यू इन लास्ट आर्टिकल. सो रीजन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इट आल्सो रोटेट्स. ये स्पिन रोटेशन भी होता है, एक तो रिवोल्यूशन होता है एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन भी होता है. राइट, so there are two motions, one is orbital motion and second is spin motion of the electron. orbital motion की वजह से atom का अपना field होता है magnetic field भी. जब कोई electron किसी orbit में revolve करेगा उसका अपना magnetic field होगा. ठीक है, और स्पिन मोशन की वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू एस. राइट, जब ये कपल करेंगे देन पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे और दिस पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इज द रीजन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स. राइट, सो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज माइनस म्यू एस इंटू बी डॉट बी. राइट, और इसको सोल्व करेंगे म्यू एस बी कोस ऑफ थीटा. ओके, और जो स्पिन और ऑर्बिट की जो कपलिंग है वो पैरेलल कपलिंग भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी. राइट, अगर रिवोल्यूशन और रोटेशन का सेंस सेम है, मान लो दोनों ही क्लॉकवाइज है,
then we can see that is parallel coupling. और एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, देन वी कैन सी एंटी पैरेलल कपलिंग, राइट. सो एल यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर, सो जे इज द टोटल क्वांटम नंबर, टोटल क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू होगी एल प्लस माइनस एस. ओके, जब एल जीरो होगा, फॉर एल जीरो जे इज हाफ ओनली, क्योंकि एस की वैल्यू है हाफ प्लस माइनस हाफ, राइट. जब एल वन होगा देन जे इज वन बाई टू एंड थ्री बाई टू, ठीक है. वन प्लस हाफ थ्री बाई टू एंड वन माइनस हाफ इज वन बाई टू. फॉर एल टू जे इज थ्री बाई टू एंड फाइव बाई टू, एंड फॉर एल थ्री जे इज फाइव बाई टू एंड सेवन बाई टू, राइट. एस इज हाफ ओनली, एस इज हाफ. और फुल नोटेशन में एल के लिए अगर हम ट्रम नोटेशन लिखे यहाँ पे, तो एल के लिए एस एस और जे हाफ, जे वैल्यू यहाँ लिखते हैं, ठीक है. ऐसे लिखते हैं ना किसी की ट्रम वैल्यू, तो वो जो ट्रम और जे वैल्यू यहाँ पे, एंड यहाँ पे टू एस प्लस वन मल्टीप्लिसिटी, राइट. सो एल के लिए पी थ्री बाई टू एंड पी वन बाई टू, ओके. एल के लिए डी थ्री बाई टू एंड डी फाइव बाई टू, एफ फाइव बाई टू एंड एफ सेवन बाई टू. दी जा दी ट्रम वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी टू एस प्लस वन, एस यहाँ पे वन बाई टू है सभी के लिए, टू एस प्लस वन दैट इज टू. तो सभी ट्रम्स की जो मल्टीप्लिसिटी है दैट इज टू, टू इज हियर. ओके, सो वी गेट टू वैल्यू जे, वन इज एल माइनस एस एंड सेकेंड इज जे इज एल प्लस एस. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. लेट सी, इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ओके. विद रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो स्पिन, एंड लेट सी एल माइनस एस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो स्पिनिंग इज क्लॉकवाइज, ओके. स्पिनिंग इज क्लॉकवाइज, लेट सी, ओके. अब स्पिनिंग क्लॉकवाइज है, एस इज इनवर्ड साइड, एंड म्यू एस इज अपोजिट टू, दिस इज द एस, इस डायरेक्शन, दिस इज द एल एंड दिस इज द म्यू एस, म्यू एस, ठीक है. और ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी ऑल्सो, क्योंकि बी का, बी जो है दैट इज मेनली ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और एक करंट कैरिंग कॉइल, चार्ज मूविंग इन, मूविंग चार्ज कैरिंग कॉइल इज ए करंट कैरिंग कॉइल, ओके. और करंट कैरिंग कॉइल बी हैव एच मैग्नेट, उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज बी, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, और म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है. सो जे की कंडीशन ये है, एल माइनस एस, एस इज अपोजिट डायरेक्शन, एल इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इज एल माइनस एस, ओके. एंड दिस स्टेट इज मोर स्टेबल, रीजन इज दैट
म्यू एस इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस म्यू एस डॉट बी. वी कैन राइट इट एज म्यू एस बी कोस ऑफ थीटा, डॉट के लिए कोस ऑफ थीटा, राइट. अब ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, स्टेबल कब होता है, जब एनर्जी मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम, राइट. और ये मिनिमम कब होगी, जब कोस थीटा वन हो जाए, कोस थीटा वन होगा जब थीटा जीरो होगा, तो मिनिमम वैल्यू होगी म्यू एस इंटू बी और थीटा इज जीरो भी, ठीक है. थीटा जीरो मीन्स म्यू एस एंड बी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, म्यू एस एंड बी बोथ आर इन इन सेम डायरेक्शन, ओके. सो दिस इज द केस ऑफ मोर स्टेबिलिटी, जे इज एल माइनस एस. सो जो हमारा जो स्प्लिटिंग होगी उसमें लोअर पे कौन लाई करेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ओके. तो ये वाला जो लेवल होगा जे का, जे की वैल्यू होगी उसमें एल माइनस एस, ठीक है. और अपर वाले में होगी एल प्लस एस, क्योंकि जो नीचे जो लाई करता है वो मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल कौन सा है, एल माइनस एस, राइट. एंड एक होता है म्यू एस इज अपोजिट टू एस, वाई दिस फॉर्मूला, म्यू एस इज माइनस जी एस ई ओवर टू एम एंड एस. सो फ्रॉम हियर वी सी दैट म्यू एस इज अपोजिट टू एस, ओके. सेकेंड केस इज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ओके. बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, सो जे इज एल प्लस एस, यहाँ पे एल की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, एल इज इन अपवर्ड, एस इज ऑल्सो इन अपवर्ड, ठीक है. म्यू एस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज म्यू एस इज अपोजिट टू एस, ओके. एंड बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शंस. ये अब जो पोटेंशियल होगा दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, म्यू एस डॉट बी. वी कैन राइट म्यू एस बी कोस ऑफ थीटा. अब देखो बी अपवर्ड है, म्यू एस डाउनवर्ड है, दोनों के बीच 180 का एंगल, म्यू एस बी कोस 180, दैट इज म्यू एस बी, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, जो कि नेगेटिव आई थी यहाँ पे, नेगेटिव है, मिनिमम है, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू. तो पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, दिस इज लेस स्टेबल, एंड जो लेस स्टेबल टर्म होगी दैट लाइज अबव. सो जे की एल प्लस एस इज अबव एंड जे एल माइनस एस लाइन इन द लोअर साइड, ओके. एंड जो लास्ट आर्टिकल था फॉर द लेवल स्प्लिटिंग, उससे जो लेवल स्प्लिटिंग की जो वैल्यू आई थी, वेव नंबर का जो डिफरेंस था दैट इज 5.84 जेट माइनस सिग्मा होल फोर ओवर एन क्यूब एल इंटू एल प्लस वन मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, 0.85 है ना, 5.84 है तो सेंटीमीटर इनवर्स, ओके. दिस इज द वेव नंबर, यूनिट से ही पता चल रहा है दिस इज द वेव नंबर, ओके. सो लेवल स्प्लिटिंग, जो लेवल्स में स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी लेवल्स में या ऑर्बिटल्स में जो स्प्लिटिंग होगी, दैट डिपेंड्स ऑन एन एल एंड जेड. जेड के डायरेक्टली है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है. जितना ही हम सेंटर से दूर जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा स्प्लिटिंग कम होगी, सेम एज एल पे डिपेंड करता है, ठीक है. एल की वैल्यू होती है हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है. 0 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज एल यहाँ पे 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा. 0 फॉर एस पी डी एंड एफ,
ओके वो पी के लिए जो लैल स्प्लिटिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पी के लिए एल सबसे कम है, ठीक है, ये हो गया। और पी की जो दो वैल्यू होंगी, पी के लिए एल की वैल्यू वन, एस की वैल्यू हाफ, जे इज एल प्लस माइनस हाफ, एल इज वन, वन प्लस माइनस हाफ दैट इज थ्री बाई टू एंड वन बाई टू, ओके। एंड मल्टीप्लिसिटी इज टू एस प्लस वन, टू एस प्लस वन, एस इज हाफ सो वी गेट टू, सो टू पी थ्री बाई टू, हायर जे एट हायर साइड, ठीक है, दिस इज लेस स्टेबल, एल प्लस वन केस इज द लेस स्टेबल, सो दिस इज टू पी थ्री बाई टू एंड टू पी वन बाई टू, एल माइनस एस इज मोर स्टेबल साइड, सो एज इन द केस ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज लेस बिकॉज एल इज हायर, डी के लिए एल टू है, सो और जे होगा हमारा टू प्लस माइनस हाफ दैट इज थ्री बाई टू एंड फाइव बाई टू, फाइव बाई टू इज अपर साइड, टू डी फाइव बाई टू एंड टू डी थ्री बाई टू, राइट। एफ के लिए स्प्लिटिंग इनसे कम बिकॉज ऑफ एफ के लिए एल इज थ्री, थ्री इज मोर, स्प्लिटिंग कम होगी दैट इज टू एफ, सेवन बाई टू इज लेस स्टेबल, टू एफ फाइव बाई टू इज मोर स्टेबल, सो इट इज एट लोअर साइड, ओके। सो और एस में कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, राइट। और अगर हम एस को चेक करें तो एस के लिए जी होगा एल प्लस माइनस हाफ, एल के इन प्लेस ऑफ एल देर आर जीरो, प्लस माइनस हाफ का मोड अगर लें हम दैट इज हाफ, सो एस हैविंग ओनली वन लेवल दैट इज टू एस वन बाई टू, ओके। नाउ अब हम स्पेक्ट्रम देखेंगे कि चेंज कैसे होगा ड्यू टू स्प्लिटिंग की वजह से, ओके। सो वी स्टडी फाइन स्पेक्ट्रम हियर, एस लेवल में कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई, पी में दो स्प्लिटिंग थ्री बाई टू एंड वन बाई टू, डबलेट स्प्लिटिंग इज हियर एंड डबलेट इज हियर, एंड दिस इज फाइव पी, पी के लिए पी थ्री बाई टू एंड दिस इज वन बाई टू, ये सम हट इसके कंपैरिजन में लोअर एनर्जी पे है, राइट, ये लोअर एनर्जी पे, दिस इज एट लोअर एनर्जी, इसके कंपैरिजन में ये हायर पे है, ये लोअर पे है, ठीक है, इस सेम एज इट इज सब में। और जो सिलेक्शन रूल होंगे यहाँ पे, सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन के लिए दैट इज डेल एन इंटीजर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंटीजर, कोई भी चेंज, कोई भी इंटीजर हो, चाहे फोर्थ से सेकंड में आए या फिफ्थ से थर्ड में आए, कोई भी इंटीजर हो जो चेंज होगा, डेल एल इज प्लस माइनस वन एंड डेल जे इज जीरो एंड प्लस माइनस वन, सो इनको ध्यान में रखते हुए ट्रांजिशन हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल सीरीज के लिए पी से ट्रांजिशन एस में होगा, राइट। सो यहाँ पे पी के लिए जे है थ्री बाई टू और यहाँ का जो जे है दैट इज वन बाई टू, पी के लिए एल है वन, ठीक है, इसके लिए एल है जीरो और जे है हाफ, कंडीशन इज दैट डेल एल इज प्लस माइनस वन, डेल जे इज जीरो एंड प्लस माइनस वन, ओके। सो एल वन, एल से जीरो अलाउ, डेल एल इज वन, ओके, एंड थ्री बाई टू से वन बाई टू, डेल जे इज प्लस वन, सो दिस इज द अलाउड ट्रांजिशन थ्री पी से थ्री एस में, ठीक है, जे हाफ है, इसका भी हाफ है, डेल जे इज जीरो अलाउ एंड एल वन, एल जीरो, डेल एल इज वन, दिस इज ऑल्सो अलाउ, सो वी गेट टू लाइन्स इंस्टेड ऑफ वन, ओके। सो वी कैन सी दिस इज प्रिंसिपल डबलेट सीरीज, प्रिंसिपल डबलेट, राइट, दिस इज द प्रिंसिपल। शार्प सीरीज कब मिलती है, एस इज ट्रांजिशन पी में हो, इसके लिए जे है हाफ,
इसके लिए 3/2 एंड 1/2, और इसके लिए एल है 0, यहाँ पे एल है 1। कंडीशन चेक करें, डेल एल इज -1, 0 -1 इज -1, दिस इज अलाउ, एंड डेल जे इज हाफ -3/2 इज -1 इज अलाउ, सो दिस इज द अलाउ ट्रांजिशन, राइट। जे हाफ डेल जे इज 0, दिस इज ऑल्सो अलाउ ट्रांजिशन, राइट। अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पे एल 0, जे हाफ, एल 0 एल 1 अलाउ बिकॉज ऑफ डेल एल -1, जे हाफ जे 3/2 अलाउ, जे हाफ एंड जे हाफ इज ऑल्सो अलाउ, राइट। सो दिस इज शार्प डबलेट, दिस इज शार्प डबलेट, शार्प डबलेट वी कैन राइट, एंड दिस इज शार्प डबलेट, क्योंकि जब एस से पी में ट्रांजिशन होता है वी गेट शार्प लाइन एंड डबलेट बिकॉज पी इन दी डबलेट फॉर्म, राइट। अब डाइफ्यूज के लिए, डाइफ्यूजन के लिए डी से पी में ट्रांजिशन, 3 पी में ट्रांजिशन, एन डी से एन इज ग्रेटर देन 2, राइट। ए डी के लिए जे की वैल्यू है जे इज 5/2 एंड जे इज 3/2, एल है 2, सो वी चेक सिलेक्शन रूल, एल इसके लिए जे 3/2, जे 5/2, जे 3/2, दिस इज अलाउड ट्रांजिशन बिकॉज डेल एल इज 1, ओके। जे 5/2 एंड जे -1/2, जे 5/2 एंड जे 1/2, दिस इज 2, नॉट अलाउ, नॉट अलाउ बिकॉज जे इज +-1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, तो यहां से ट्रांजिशन यहां नहीं होगा। जे 3/2 एंड जे 3/2 इज अलाउड ट्रांजिशन, राइट। जे 3/2 एंड 1/2 इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन, सो वी गेट डाइफ्यूज डबलेट। तीन लाइन मिलने के बाद भी दैट इज कॉल्ड डाइफ्यूज डबलेट, ओके। एंड इन द सेम फोरम एफ के लिए जो जे होगा, जे इज 7/2 एंड जे इज 5/2, ठीक है। चेक करेंगे 7/2 से 5/2 में ट्रांजिशन अलाउ है, बट 7/2 से 3/2 में कोई ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, क्योंकि 7/2 -3/2 इज 2, अलाउ होने के लिए +-1 होना चाहिए, राइट। 5/2 से 3/2 में अलाउ ट्रांजिशन है, एंड 5/2 से ये 5/2 था, अब 3/2, दिस इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन, एंड वी गेट फंडामेंटल डबलेट, फंडामेंटल डबलेट लाइन, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 लाइन्स इट इज कॉल्ड डबलेट, इट इज कॉल्ड कंपाउंड डबलेट, इट इज कॉल्ड कंपाउंड डबलेट बिकॉज ऑफ जहां से ट्रांजिशन हो रहा है वो भी डबलेट की फॉर्म में है, और जिससे जहां से हो रहा है वो डबलेट की फॉर्म में है, और जहां पर हो रहा है वो भी डबलेट की फॉर्म में है, सो दिस डबलेट इज कैन रिटन एज अ कंपाउंड डबलेट, हम कह सकते हैं कि कंपाउंड डबलेट है, ठीक है। हम इसको ट्रिपलेट नहीं कहेंगे, क्योंकि डबलेट इनकी वजह से है, एफ लेवल 2 में स्प्लिट हुआ है, डी लेवल भी 2 में हुआ है, सो कंबाइन इफेक्ट को हम बोलेंगे कंपाउंड डबलेट, ठीक है। बट शार्प और प्रिंसिपल सीरीज में क्या था कि सिर्फ पी डबलेट फॉर्म में था, एस लेवल सिंगल लेवल था, ओके। सो इट इज कॉल्ड सिंपली डबलेट, एंड डाइफ्यूज एंड फंडामेंटल इज कॉल्ड कंपाउंड डबलेट बिकॉज जहां से ट्रांजिशन हो रहा है वो भी डबलेट की फॉर्म में है, और जहां पर ट्रांजिशन हो रहा है
यहाँ से लाइन यहाँ ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुआ है तो ये भी डबलेट की फॉर्म में है, तो इस कंबाइन इफेक्ट को हम बोलेंगे कंपाउंड डबलेट। ओके, और जो सोडियम का केस अगर हम एग्जांपल लें, सोडियम की जो लाइंस मिलती हैं दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम अपर पी लेवल टू लोअर एस लेवल, ठीक है, सोडियम का केस है, सोडियम 11 दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो ग्राउंड स्टेट इज 3s1 3s स्टेट, s इज हाफ, मल्टीप्लिसिटी इज 2 एंड j इज हाफ, ठीक है। इसका जो अपर लेवल होगा इज 2p1/2 एंड 2p3/2, 1/2 इज लाइंग एट लोअर साइड बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एंड 3/2 इज लाइंग एट अपर साइड बिकॉज इट इज लेस स्टेबल। सिलेक्शन रूल क्या है, डेल एल इज ±1 एंड डेल जी इज 0 एंड ±1। अब हम ट्रांजिशन चेक करेंगे, देखो L1 है एंड L0 है, J 1/2 1/2, डेल जे 0 L1 L0 डेल L इज 1 अलाउड ट्रांजिशन, राइट। J 3/2 J 1/2 डेल जे इज 1 L1 -0 दिस इज ऑल्सो अलाउड ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के जो कोरस्पोंडिंग लाइन मिलेगी उसको हम कहेंगे D1 लाइन, D1, और इसके करस्पोंडिंग जो लाइन मिलेगी दैट इज D2 लाइन्स। ओके, सो वी गेट 2 लाइन्स इंस्टेड ऑफ 1। अगर स्प्लिटिंग नहीं होती तो यहाँ पे सिर्फ 2p लेवल होता, 2p से 2 3p से 3s में ट्रांजिशन होता, 3s लेवल होता, ठीक है। और इनके वेवलेंथ या वेव नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है। D1 लाइन का जो वेवलेंथ है दैट इज 5896 एंगस्ट्रम, और इसका जो वेवलेंथ है दैट इज 5890 एंगस्ट्रम, ठीक है। ये जो वेवलेंथ में डिफरेंस आया है वो इक्वल है जितनी की स्प्लिटिंग में डिफरेंस है। ओके, जो ट्रम वैल्यू से जो स्प्लिटिंग आई थी दिस इज द डिफरेंस इन द वेवलेंथ या ट्रम वैल्यू। ओके, सो दिस इज द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कली एटम्स, ठीक है। मेनली वही है कि एक लाइन की इंस्टेड ऑफ वन लाइन वी गेट क्लोजली सेपरेटेड टू लाइन्स, राइट, दीज आर द टू लाइन्स, ठीक है। अगर स्प्लिटिंग नहीं होती, सिर्फ पी लेवल होता तो पी से एस में एक ही ट्रांजिशन होता, एक ही वेवलेंथ की लाइट हमें मिलती, लाइन मिलती, बट ड्यू टू स्प्लिटिंग, और जो स्प्लिटिंग की जो रीजन है दैट इज द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, उसकी वजह से लेवल्स में स्प्लिटिंग हुई और उसकी वजह से हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की या अलग अलग वेवलेंथ की दो लाइन मिली। ओके, दिस इज द आर्टिकल।